हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल। यहाँ पे प्लान, सेंटर लाइन प्लान फुटिंग का वर्क हो चुका है। सो व्यूअर्स, वीडियो आप पूरा वीडियो को आप देखिएगा शुरू से अंत तक, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो है 40x60 का प्लॉट है टोटल। 40x60 में जो है कंस्ट्रक्शन, सामने की तरफ जो है गार्डन एरिया रखा गया, बाकी का अप्रोक्सीमेट 10 to 12 feet बाकी का जो एरिया रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन एरिया है। सो सामने की तरफ भी थोड़ा सा जगह मिल रहा है, बाकी का जो कंस्ट्रक्शन एंड कॉलम का साइज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पिट का साइज़ 9x18 inch कॉलम है और 9x15 inch का कॉलम, डिपेंड ऑन स्पैन उसके अनुसार दिया गया। एंड नेक्स्ट जो PCC बेड हो, फुटिंग का साइज़ हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्लान दिखाऊंगा। प्लान देखिए, ये है दोस्तों प्लान। इसमें कार पार्किंग, फिर उसके बाद जो है हॉल 24x17 feet 3 inch का जगह मिल रहा है। इधर जो है स्टेयरकेस आ रहा है ना, उसकी वजह से जगह चले जा रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, नहीं तो बाकी का इतना आप गार्डन एरिया वैसे कार पार्किंग के लिए सफिशियंट जगह है। फिर उसके बाद हॉल का साइज 16x9 inch by 14 feet और बेडरूम नंबर 1 12x6 by 10 feet 6 inch। सो 2 BHK पोर्शन जो है ओनर का रहेगा, बाकी का जो सिंगल पोर्शन है रेंटल पर्पज। तो अगर ओनर कहीं बाहर गए तो एक 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 पर्सन होना ज़रूरी था, उसकी वजह से उनका रिक्वायरमेंट के अनुसार दिया गया। अभी मैं आपको सेंटर लाइन दिखाऊंगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे रेड कॉलम है वो 9x15 inch का कॉलम, एंड दूसरा जो रेड और ब्लू मिक्सअप है ना, वो जो है 9x18 inch का कॉलम है। स्पैन की वजह से वहाँ ऐसा रखा गया। एंड ये है सेंटर लाइन प्लान, इसका आप स्क्रीनशॉट लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट सेंटर लाइन प्लान का स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉलम टू कॉलम कितना दूरी पे। अभी मैं आपको फुटिंग कैसा मारा गया, उस दिन जो हम मार्कआउट किए थे, सो मार्कआउट करने के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है ये बीच बीच में जितना भी ये रहता है ना, उसको सही तरीके से रखना ज़रूरी है। या फिर उस दिन हम पेंट लगाए थे ना, वो पेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, आज आपको बहुत काम की चीज़ आ जाएगी। जब भी आप चुन्ने से मार्कआउट करते हैं, कंपलसरी आप पेंट से या फिर लोहा उधर ही फिक्स पॉइंट रखना ज़रूरी है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर उस दिन ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಳಿ ಏನು ಭೀ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಎಲ್ಲದ ತೋ ದೇಖಿಯಾಗ. ಅಬ್ ದೇಖಿ, ಅಬ್ ಯೇ ಧಾಗ ರಕ್ತ ಸಮಯ ಉಸ್ ದಿನ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಕಿಲ್ಲಾ ಮಾರೆ ಥೇ ಯಾ ಫಿರ್ ಉದರ್ ದೇಖಿ ಪೇಂಟ್ ಹೇ ಯಾದ ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಳಿ ಇತ್ತಲ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ದೇಖೋ ವಹಾ ಪೇ ಕಿಲ್ಲಾ ಹೇ ಉಸ್ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಆಪ್ ಆಸಾನಿ ಸೇ ಉಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ರಖೇಂಗೇ ತೋ ಆಪ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಈಜಿ ಹೋತಾ ಜ್ಯಾದಾ ಢೂಂಢನೆ ಕಾ ಜರೂರತ್ ಹೀ ನಹೀಂ ಪಡ್ತಾ ಸಮಝೋ। यहाँ पर भी शायद होगा इसके पीछे किला कुछ तो, और उधर देखिएगा उस पॉइंट पे भी मार्किंग किया था येलो कलर से, ठीक है दोस्तों। ये था, अब नेक्स्ट मैं आपको सेंटर लाइन कैसा बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये जो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 3 कॉलम के बारे में बताऊंगा, फर्स्ट फुटिंग के बारे में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। सो 4 फुटिंग है यहाँ पर। एंड ये जो वर्क चल रहा है, ये भालकी से बिलोंग करते हैं ओम प्रकाश और उनका जो टीम है, तो अगर किसी को सर्विस चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनके द्वारा। ये काम कर रहे हैं जो कॉलम का बाइंडिंग वर्क हो या फिर जो सब कुछ सेंटरिंग का काम। एंड यहाँ पर देखिएगा, इधर एक बोरवेल आया था, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये कोने पर बोरवेल आया था। सो बोरवेल यहाँ पर इसका पॉइंट था, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 13 feet 3 inch 11 feet 8 feet 6 inch में एक कॉलम आया था, सेम एज यूजल उसी तरह से 13 feet 3 inch पे एक, फिर वहाँ से वहाँ तक जो है ना 11 feet 3 inch, फिर उसके बाद 8 feet 6 inch का आया था। फिर देखिएगा, जब आप सेकेंड रो पे आएंगे तो आउटर का छोड़ दीजिए, आउटर का जो पैसेज है आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये आउटर पैसेज है 4 feet, ओके, यहाँ पर जो है 5 feet बिकॉज इधर बोरवेल आया था, फिर भी हम इसको कॉलम और थोड़ा हटा ही दिए, कोई दिक्कत नहीं होना बोल के। इधर से तक 13 feet 3 inch 11 feet 3 8 feet 6 inch, सेम उसी तरह का 13 feet 3 inch 11 feet फिर 8 inch। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये ब्लू वाला कॉलम 13 मतलब आ गया आपका 17 feet 6 inch पे है, ये 17 feet 6 inch, फिर 15 6 पे 3 कॉलम लिएगा 9 18 का, सेम उसी तरह ये भी 17 6 और 15 6 पे लिया गया। फिर यहाँ पे आ गए स्टेयरकेस, वही फुटिंग्स का 1 2 3 उसी तरह से लिया गया स्टेप बाय स्टेप 7 17 6 और 15 feet 3 inch, एंड बीच में भी एक डोरी आ जाएगा इस कॉलम को
एग्जैक्ट लेने के लिए। तो इस तरह का जो है सेंटर लाइन प्लान बनाया गया 40x60, जो कंस्ट्रक्शन एरिया है 33 फीट 9 इंच बाई 48 फीट का। अगर आप सिर्फ सीढ़ियाँ छोड़ दे तो 40 फीट 6 इंच में जो है कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है आपको फुटिंग का साइज, फुटिंग 9x18 के लिए 5x5 स्केट किया गया, पीसीसी बेड 6 इंच का लगभग। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है दोस्तों वो है ये 9x15 इंच, 9x15 इंच का कॉलम के लिए 4x4 का एक्सकेवेशन किया गया है। ये है 4x4 का एक्सकेवेशन, यहाँ पर भी पीसीसी बेड डाला गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ है गड्ढे वगैरह। अगर बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज फुटिंग सही आ गए तो बैलेंस भी सही होगा, थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, बट आपकी घर बन रहा है मजबूती होना ज़रूरी था इसकी वजह से, बिकॉज इसका जो एस्टिमेशन पीरियड है मोर देन 50+ ईयर, 100% ये सर्वाइव करेगा अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। एंड एक कॉर्नर की तरफ इस तरह से कॉर्नर है तो भी इधर ऑफसेट एरिया मिल रहा है, तो 2 फुट उसको फुटिंग के लिए जो लेग्ड उसका अच्छा सा जगह मिल रहा है उधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का ये कुछ वर्क हुआ था 40x60। एंड मेरा एक सजेशन है, जब भी आप ये फुटिंग डालते हैं उस वक्त ही जो है सेप्टिक टैंक का भी एक्सकेवेशन कर दीजिएगा, सो बेस्ट रहेगा। एंड फिलहाल के लिए बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। हैव अ ग्रेट डे।